क्या चुका है हमारे पास में, यहाँ पे रीरेंज था आपके जम्बल वर्ड आ चुके। और जम्बल वर्ड की आप सभी जानते हैं, आप जम्बल वर्ड की ट्रिक सबसे पहले जानते हैं। जम्बल वर्ड की ट्रिक हमेशा ये कहते हैं, अगर सेंटेंस के अंदर आपके जब भी अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन ना दिया हो, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का ना दिया हो, तो हमेशा ही सेंटेंस की क्राइटेरिया क्या कहता है, हमेशा ही आपका सेंटेंस नाउन से शुरुआत होगा, या तो आपका किससे शुरुआत किया जाएगा, या तो प्रोनाउन से। और नाउन प्रोनाउन आते ही देन उसके बाद में हमें किसको हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाना होता है, हेल्पिंग वर्ब देन उसके बाद हमें क्या मेन वर्ब, और इतने में ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का एग्रीमेंट आप करते हैं जाकर के, तो उसके बाद में ही आपका क्या मिल जाता है, ऑप्शन ही मिल जाता है, और ऑप्शन को इलिमिनेट आप करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, एक नया के कंडीशन वाला कोई सेंटेंस ही नहीं, तो सबसे पहली बात को देखना, ये हमारा जो सेंटेंस है, अगर आप शुरुआत करो, देखो इट से शुरुआत हो सकता है, इट के बाद तुरंत हमारी मेन वर्ब आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना, या तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, ए से अगर शुरुआत अगर हम करते हैं, तो ए से ए के बाद में बी, तो इसका मतलब इट लाइफ, इसका तो नॉनसेंस ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो पहले नंबर ही इलिमिनेट। और आपको जब भी जंबल वर्ड करोगे आपको ट्रिक आनी चाहिए, अगर आप ट्रिक का अप्लाई करते हो तो आपके क्वेश्चन से बहुत ही इजीली वैसे हो जाते हैं और आपके कभी भी गलत होने के चांसेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें कहां से चालू करना होगा, यहां पे वर्ड से व्हाट बी, सबसे पहले हमारे पास भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्हाट आ जाएगा और बी हमारे पास में आ जाएगा। जैसे ही बी आया, इसका प्रोनाउन आया कि नहीं, प्रोनाउन के बाद में हमें तुरंत का तुरंत नाउन चाहिए कि नहीं चाहिए, व्हाट बी, तो सबसे पहली बात किस कहाँ से चालू होगा, सी से चालू होगा। सी का मतलब ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाता है, ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाता है, तो पहला आंसर हमें तुरंत ही हमें दिखाई दे जाता है, तो क्या बन जाएगा हमारे व्हाट बी लाइफ इट मेक, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहां पे ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, इट मेक लाइफ इट व्हाट बी नॉनसेंस बनेगा, नहीं, इसका यही वाला आंसर सही बनेगा जाकर के, व्हाट बी क्या बनेगा यहां पे, व्हाट बी, ठीक है ना, लाइफ इज इट मेक, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा जाकर के। आगे का देखिए हमारे पास में क्या है, ये आपका प्रोवर्ब्स भी क्या दे रखा है, आपका प्रोवर्ब गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स दैट, तो आप सभी जानते हैं हर चमकने वाली चीज क्या नहीं होती है, गोल्ड नहीं होती है, हर चमकने वाली क्या नहीं होती है, सोना नहीं होता, ये आपका प्रोवर्ब्स भी है, जो तुम्हें चमकती है इसका मतलब सभी चीजें क्या नहीं होती, सोना है। तो सबसे पहली बात हमारे पास में कहां से चालू करना, अभी आपको मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने कहां से नाउन प्रोनाउन से, तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या, ऑल दैट आ जाएगा, उसके बाद हमें नाउन की ही जरूरत, ऑल दैट, दूसरी बात क्या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, तीसरी बात ये हमारे पास है, और चौथी बात हमारे पास कौन से आ जाएगी, गोल्ड आ जाएगी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या बना, डी बना, देन उसके बाद हमारे पास सी बना, देन उसके बाद हमारे पास में डी सी, अब देख लो जाकर के डी सी किसके अंदर आया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी डी, आपका करेक्ट आंसर। तो आपको पूरे के पूरे ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होती है, आपके डायरेक्ट ही आ जाते हैं। देन उसके बाद सेम ट्रिक यहाँ पर फिर से अप्लाई करनी है, सेम ही ट्रिक आपको यहाँ पर फिर से अप्लाई करनी होती है, वो ट्रिक आपकी क्या कहती है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहली बात है चिल्ड्रन, तो सबसे पहली बात है हमारे पास है चिल्ड्रन, तो फर्स्ट नंबर पे है चिल्ड्रन आर, उसके बाद हमें मेन वर्ब का एग्रीमेंट करना होगा कि नहीं, ये बात आपने देखी रखी है, तो चिल्ड्रन के साथ सबसे पहली बात है मेन वर्ब, तो हमारे पास सेकेंड नंबर पे आ गई, तो पहली बात है तो हमें किससे शुरुआत करना, डी के साथ ए, डी के साथ ए नहीं शुरुआत है, ऑप्शन इलिमिनेट, डी के साथ ए नहीं, ऑप्शन इलिमिनेट, डी के साथ ए, करेक्ट आंसर हमारा यही होता है। ऑप्शन को आपको जब भी आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप जंबल वर्ड को करो तो ऑप्शन का सहारा जरूर लेना है, क्योंकि ऑप्शन के बाद में आपका टाइम नहीं यूज किया जाता है, टाइम आपका बहुत ज्यादा बच जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन का आपको सहारा जरूर लेना। ओके।